फोर में लिखा हुआ है लेट स्टार बी आ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऑन एस। देखो ये एमसीक्यूज में मिस्टेक है, क्यों? क्योंकि इसमें एस इन्होंने डिफाइन ही नहीं किया, मतलब एस यहाँ पे क्या है, जब तक सेट ही डिफाइन नहीं है तो हम कैसे बता सकते कौन सा आंसर ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। इस पर आ जाओ, लिखा हुआ है फाइव लेट एक्स बी आ नॉन एम्प्टी सेट। एक्स जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है, कोई लेट कर लो, क्योंकि आपने जब सवाल सॉल्व करना है कुछ ना कुछ तो लेट करना पड़ेगा। लेट से सिंपल करते हैं 1 2 3। एक्स बी आ नॉन एम्प्टी सेट एंड एस इक्वल टू पी ऑफ एक्स। अच्छा, सेट की नोटेशन में इसको हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ एक्स। एस जो है ना वो पावर सेट है एक्स का। एक्स का पावर सेट क्या होता है? पावर सेट बेसिकली होता है किसी सेट का कि उस सेट के आप सबसेट को एक जगह जमा कर दो, तो उसको हम पावर सेट बोलते हैं। इसके सबसेट को जमा कर दो आप, ठीक है। तो ये जितने सबसेट हैं, तीन एलिमेंट है तो टोटल 8 सबसेट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो एस जो था वो पावर सेट था एक्स का, तो मैंने पावर सेट बना लिया। डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक ऑन पी ऑफ एक्स बाई। अच्छा, एक बाइनरी ऑपरेशन है, कुछ भी हो सकता है स्टेरिक, हमें नहीं पता वो क्या है, लेकिन ऑपरेशन वो है क्या कि अगर आप ए बी को कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो वो बराबर आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स। इस सवाल में मुझे मिस्टेक ही लगी है कि यहाँ पे आना ये चाहिए था कि ए बी बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स, क्योंकि नॉट बिलोंग टू पी ऑफ एक्स में कुछ सेंस नहीं बन रही। अगर आप लोगों को सेंस बन रही हो तो मुझे बता देना, ठीक है। तो जितना मैंने समझा है सवाल को मैं आपको बता देता हूँ। सवाल उन्होंने ये बोला है कि आपको एक्स सेट दे दिया, मतलब आपने बना लिया, आपने एस बना दिया। उसके बाद उन्होंने आपको बाइनरी ऑपरेशन दी है कि वो बाइनरी ऑपरेशन क्या है कि आप ए स्टैटिक बी कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो वो किसके बराबर है? ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। अब सवाल ये कि ए और बी क्या है? ए और बी बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स है, मतलब पावर ऑफ सेट। ये जो पावर सबसेट है ना एस, इसमें से कोई भी आप किसी भी दो को पिक करो, एक को ए ले लो और एक को बी ले लो, ठीक है। तो ए बी इसी सेट में से आपने को लेना है, और अगर आप कोई किसी भी दो को मतलब उनके दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो वो ऑपरेशन क्या है? वो ऑपरेशन है ए इंटरसेक्शन बी। ये स्टेटमेंट है पूरी। अब सबसे पहली चीज़ क्या उन्होंने बोली है? स्टेरिक इज़ अ कम्यूटेटिव, स्टेरिक इज एसोसिएटिव, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, ये उन्होंने तीन आपको चीज़ें दी हैं, सवाल ही चल रहा है अभी। ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि 1 और 2 राइट है, बी में लिखा है 1 2 3 सब राइट है। आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट शुरू में उन्होंने बताया है और बाद में तीन स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से कौन सी इक्वल है, सॉरी कौन सी सही है, ये आपको बताना है, ठीक है। तीनों तीनों स्टेटमेंट को हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले चीज़ को ध्यान में रखो, किसी भी दो को आप पिक करो, उनके दरमियान आपने ऑपरेशन करना है, मतलब स्टेरिक बी। वो ऑपरेशन क्या है? बेसिकली उनका इंटरसेक्शन आपने लेना है, ये ऑपरेशन है। तो सबसे पहले आप लेट कर लो, कोई भी आप किसी दो को पिक कर लो, लेट से 1 को पिक कर लो और लेट से 1 2 को पिक कर लो, ठीक है। अब इनके दरमियान कोई भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करो, ठीक है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, तो आंसर आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे आंसर आ रहा है 1, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ क्या है? कमोटेटिव। कमोटेटिव है बिल्कुल। कैसे? अगर आप 1 इंटरसेक्शन 1, 2, ये बराबर है 1, 2 इंटरसेक्शन 1, ये कमोटेटिव भी है ना कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर होना चाहिए बी इंटरसेक्शन बी, तो दोनों सीन में आंसर आपके पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है पहली चीज़ तो सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी चीज़ क्या है? एसोसिएटिव। अब आपको 3 पिक कर लो, लेट से हम एक 1 पिक कर लेते हैं। यार ये मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा, बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, मैं राउंड ब्रैकेट लगा रहा हूँ आसानी के लिए। पेपर मतलब सॉल्यूशन के वक्त जब आप लोगों का पेपर होना एमसीक्यूज में तो मैटर नहीं करता, वैसे कली ब्रैकेट ही लिखते हैं जल्दी के लिए। लेट कर लो आप एक 1 पिक कर लो इसमें से, और इसमें से लेट से एक 2 3 पिक कर लो, और एक इसमें से 1 3 पिक कर लो, ठीक है। और एसोसिएटिव का क्या होता है कि लेट कर लो पहले इन दो के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म करो, ये बराबर होना चाहिए कि 1 और 2, 3 के दरमियान पहले ऑपरेशन परफॉर्म किया हमने इंटरसेक्शन 1, 3। एसोसिएटिव में ही होता है ना कि जैसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जब इन दोनों के दरमियान आप कुछ कॉमन निकालोगे, 2, 3, 1, 3, इसके दरमियान कॉमन क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, ठीक है। 3 का इंटरसेक्शन लोगे 1 के साथ तो एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि 1 और 3 में कुछ कॉमन ही नहीं है। इसको सॉल्व करो, अगर आप पहले 1 और 2, 3 का इंटरसेक्शन लोगे तो एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन किसी भी सेट से आप लोगे तो रिजल्ट में एम्प्टी सेट ही आ रहा होता है, ठीक है। तो आप देखो दोनों साइड बराबर हैं, इसका मतलब है ये एसोसिएटिव भी है, तो 1, 2 दोनों ठीक हैं।
तीसरे पे क्या लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं स्टेरिक लिखा हुआ है उन्होंने, कि बोल रहे हैं कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या है इंटरसेक्शन भी, ठीक है। अब देखो क्या इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, कर रहा है, क्यों? अगर आप, हमारे पास ऑपरेशन क्या है कि किसी भी दो के दरमियान ऑपरेशन है ए इंटरसेक्शन बी, अगर आप कोई भी दो पिक करो उसमें से एक आइडेंटिटी पिक कर सकते हैं, उन्होंने बोला है कि इस सेट के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, मतलब ये वाला ऑपरेशन जो है, और ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मकसद क्या होता है कि आप किसी नंबर के साथ उसको परफॉर्म करो, रिजल्ट में कोई असर ना पड़े, टू के अंदर आप जीरो ऐड करो, टू को असर ना पड़े, तो जीरो क्या आइडेंटिटी है। इसी तरह आप इसमें से ए कोई भी चूज़ करो, लेट से ए सबसे पहले आप वन चूज़ करते हो, वन का इंटरसेक्शन अगर आप वन टू थ्री से लोगे तो हमेशा क्या आएगा, वन ही आंसर आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट से थ्री पिक कर लेते हैं, यहाँ से थ्री का इंटरसेक्शन अगर आप वन टू थ्री से लोगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, थ्री आएगा। कोई और पिक कर लेते हैं, टू थ्री पिक कर लेते हैं, टू थ्री का इंटरसेक्शन अगर आप वन टू थ्री से लोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, टू थ्री आएगा। तो आपने गौर से देखा कि इस नंबर के साथ मैं किसी का भी ऑपरेशन करता हूँ तो उस नंबर को कोई असर नहीं पड़ता, वो नंबर एज इट इज़ आंसर होता है, थ्री था एज इट इज़ आंसर में आ गया, टू थ्री था एज इट इज़ आंसर में आ गया। इसका मतलब है इस सेट के अंदर एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है और वो ये आइडेंटिटी है कि मैं कुछ भी परफॉर्म कर लूँ ये वाला ऑपरेशन इंटरसेक्शन वाला, रिजल्ट में उसको कोई असर नहीं पड़ता, तो इसका मतलब है आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, तो उसमें तीनों ऑप्शन ठीक है। तो जो बी है ना, वन थ्री, वन टू थ्री, तीनों राइट हैं, ये ऑप्शन ठीक है, ठीक है। काफ़ी लंबा हो गया, अच्छा। उसके बाद सी में लिखा हुआ है, एक सेट है, सी का नाम दिया उन्होंने, ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। उस सेट को डिफाइन किया है टू एन सच दैट एन जो है वो बिलोंग कर रहा है जेड से, ठीक है। लिखा हुआ है इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन नॉट अ ग्रुप नन ऑफ दिस। अगर ये ग्रुप है तो इन चार बातों को सेटिस्फाई करना चाहिए जो मैंने शुरू में बताई थी, ठीक है। अब ये सेट बनेगा कैसे, इसको ज़रा बनाओ। तो भाई देखो, एन इंटीजर है, अगर कोई नेगेटिव इंटीजर पुट कर लो, कोई पॉजिटिव इंटीजर पुट करो, लेट से एन की वैल्यू माइनस थ्री पुट करोगे तो आंसर क्या होगा, माइनस सिक्स होगा। या इसको इस तरह नहीं बनाते, क्योंकि ये इन्फिनिट सेट होगा ना, आप जब इंटीजर कुछ भी पुट कर सकते हो इसके अंदर, तो डॉट 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 लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेट से अगर आप माइनस थ्री पुट करोगे यहाँ पे, माइनस सिक्स होगा। आप माइनस टू पुट करोगे, माइनस फोर। माइनस वन पुट करोगे, माइनस टू। फिर इंटीजर जीरो भी होता है, जीरो पुट करोगे आंसर जीरो होगा, फिर टू, फिर फोर, फिर सिक्स, करते करते ये चलता जाएगा, ठीक है। अगर आप गौर से देखो तो ये मल्टीपल ऑफ टू है, ये इवन नंबर्स हैं, पॉजिटिव इवन नंबर, नेगेटिव इवन नंबर्स, ठीक है, ये सेट बन रहा है। अब लिखा हुआ क्या है, ऐसा ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्या ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन? देखो ये क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, एसोसिएटिव भी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन आई थिंक हाँ आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में आइडेंटिटी क्या होती है, वन होती है, और एडिशन में आइडेंटिटी जीरो होती है। तो मल्टीप्लिकेशन की अगर आप बात करोगे तो वन इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये सेट जो है ये ग्रुप नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि ये तीसरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अंडर एडिशन होगी। क्यों? क्लोजर प्रॉपर्टी तो है भाई, कोई भी दो नंबर पिक करो, लेट से माइनस टू माइनस फोर, ऐड करोगे माइनस सिक्स आएगा, ठीक है। कोई भी दो इवन नंबर को ऐड करते हो रिजल्ट में इवन ही आता है, तो वही वाली चीज़ होगी। दूसरी प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव, एसोसिएटिव भी लगेगी। आइडेंटिटी बिल्कुल विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी जीरो होती है, वो इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। और चौथा था इनवर्स, और इनवर्स भी इसके अंदर मौजूद है। दिखने में आपको लग रहा है टू के अंदर अगर आप माइनस टू ऐड करोगे तो रिजल्ट जीरो आता है, और माइनस टू इसी सेट के अंदर है। इसी तरह फोर के अंदर आप माइनस फोर ऐड करोगे और माइनस फोर सेट के अंदर है। तो जो भी सेट के अंदर एलिमेंट है उसका इन्वर्स भी साथ मौजूद ही है। तो इन्वर्स अगर सेट के अंदर है, इसका मतलब है चौथी प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो रही है। तो ये ग्रुप है अंडर एडिशन, नॉट अ ग्रुप, नहीं क्योंकि ग्रुप है अंडर एडिशन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। सेवन में आपको एक सेट गिवन है, वन माइनस वन आयोटा माइनस वन। बाय द वे ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, हाँ, वेयर आयोटा जो है, ठीक है, इज अ सॉल्यूशन सेट ऑफ, ये एक्स की पावर फोर इक्वल टू वन का सॉल्यूशन है। अगर आप मेरी चैप्टर थ्री की वीडियोस देखोगे, फर्स्ट ईयर की, उसमें मैंने बताया था, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो रिजल्ट में आपके पास दो रियल वैल्यूज आएंगी और दो इमेजनरी वैल्यूज आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अच्छा जी, एट में इफ स्टेरिक इज डिफाइंड बाई, एक ऑपरेशन है ए स्टेरिक बी, किस तरह उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि किसी भी दो नंबर के दरमियान ऑपरेशन कर रहे हो तो वो बराबर है ए बी ओवर थ्री के, ठीक है। ए
फॉर ऑल ए जो है ए और बी दोनों होने चाहिए थे वैसे, दोनों ए और बी बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा क्यू जो होता है वो होता है रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर। क्यू पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो यहाँ पे सेट जो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है। और ऑपरेशन क्या है, ये है कि किसी भी दो नंबर के दरमियान ऑपरेशन किसके बराबर है, ए बी ओवर थ्री के बराबर है। अब आपको बताना है ये ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है, सेमी ग्रुप आइड है, नॉन ऑफ दीज है। ग्रुप चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, एबिलियन पांचों को सेटिस्फाई करेगा, और सेमी ग्रुपॉइड दो को सेटिस्फाई करेगा, शुरू की दो जो थी। चेक करके देख लेते हैं। देखो पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होंगे, देखो जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सब रैशनल नंबर हैं आपके पास। इसी तरह जितने पॉजिटिव फ्रैक्शंस हैं 1/2, 3/4 ये सब आपके पास, इसी तरह 28/4 कुछ भी आप लिख लो, ये सब आपके पास पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं। अब अगर आप इनको ग्रुप बोलोगे कैसे, देखो अगर आप एक सेट कंसीडर करो ये पॉजिटिव में, अगर आप स्टार्ट करो तो ज़ीरो से बड़े बड़े नंबर, क्योंकि ज़ीरो पॉजिटिव नहीं है, ज़ीरो से बड़े लेट्स है 0.1, 0.1 रैशनल नंबर है क्यों, इसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो ना 1/10, ठीक है। इसी तरह लेट्स से 1 भी रैशनल नंबर है, इसी तरह सेट में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा सेट के अंदर, पॉजिटिव सारे रैशनल नंबर है। ग्रुप हो सकता है, देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन क्या उन्होंने बोला है कि किसी भी दो नंबर के दरमियान ऑपरेशन करो ए बी ओवर थ्री के बराबर होगा। आप कोई भी दो रैशनल नंबर ईजी वाले पिक करो, लेट्स से 2 और 4, ये दोनों रैशनल नंबर हैं, इनके दरमियान एक ऑपरेशन परफॉर्म करो, वो किसके बराबर है कि दोनों को मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाई 3, 2 × 4 / 3, 2 × 4 क्या होगा 8/3, और 8/3 को फ्रैक्शन में लिख सकते हो, पॉजिटिव है इसका मतलब है ये रैशनल नंबर है, तो ये वाला सेट जो है वो इससे बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी थी एसोसिएटिव, एसोसिएटिव बिल्कुल होगी, किसी भी तीन नंबर को पिक कर लेते हैं, लेट्स से 1, 2, 4 को ही कर लेते हैं। अगर आप सबसे पहले इन दो के दरमियान ऑपरेशन करो फिर इनके करो, ये बराबर होना चाहिए कि आप सबसे पहले 1 और 2 के दरमियान करो फिर 4 के दरमियान करो, करके देख लेते हैं। 1 को रखो साइड पे, 2 और 4 के दरमियान ऑपरेशन करोगे तो क्या होगा, 2 × 4 / 3, कि ए बी ओवर 3 है ना, इसी तरह इनके दरमियान पहले करोगे तो ये होगा 1 × 2 / 3, ठीक है। 2 × 4 वही 8/3 है, इधर क्या होगा 2/3। अब इन दो के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेट कर लो ये ए है ये बी है, तो ऑपरेशन परफॉर्म करोगे क्या होता है 1 × 8/3 / 3, तो ऑपरेशन क्या है ए बी ओवर 3 है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाई 3, इसी तरह इनको भी मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाई 3 करो, 8/3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 8/3 होगा, 8/3 को 3 से डिवाइड करो तो 8/9 होगा, 2/3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8/3, 8/3 को 3 से डिवाइड करो 8/9, तो इसका मतलब है ये एसोसिएटिव भी है। तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है, आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी कैसे चेक करोगे, देखो आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर मैं ए के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करूं, लेट से ई, ठीक है, तो रिजल्ट में मेरे पास क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। क्या आप कोई आइडेंटिटी का मतलब होता है कोई असर नहीं करती, जो रिजल्ट है वही आपके पास आ जाता है जो इनिशियल नंबर था, ठीक है। अब ए स्टेरिक ई के दरमियान ऑपरेशन क्या होगा, बिल्कुल इसको फॉलो करो कि ए स्टेरिक बी क्या था, ए बी ओवर 3, तो ए स्टेरिक ई क्या होगा, ए ई ओवर 3, ठीक है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 को जाके आप मल्टीप्लाई करवा दो तो ई क्या हो जाएगा 3, तो इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 3 के बराबर है, और आपको पता है 3 जो है वो इस सेट के अंदर मौजूद होगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव रैशनल नंबर है। मैंने बताया था जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं वो सब रैशनल नंबर होते हैं, 3 पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका मतलब है रैशनल भी है, तो इसके अंदर आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। आखिरी चीज़ क्या होती है, इनवर्स, इनवर्स देख लेते हैं। इनवर्स कैसे करते हो कि अगर मैं ए के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ और अगर मैंने जिसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म किया वो उसका इनवर्स है तो रिजल्ट में क्या आता है, मेरे पास आइडेंटिटी आती है। जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -2, तो रिजल्ट में आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आती है। वही ए के इनवर्स के साथ ऑपरेशन करोगे तो रिजल्ट में आइडेंटिटी आएगी। अब ए और ए स्टेरिक जो है इसके दरमियान अगर आप ऑपरेशन करोगे तो क्या आना चाहिए, ए बी ओवर 3, मतलब ए ए स्टेरिक ओवर 3। आइडेंटिटी आपको पता है सेट में क्या है, 3 है, ए ए स्टेरिक 3 को मल्टीप्लाई करवा दो 9, ए स्टेरिक क्या होगा 9/A के बराबर होगा। अच्छा इनवर्स जो है वो हर नंबर का अलग होता है, जैसे आइडेंटिटी फिक्स होती है ना ए की है, इसके अंदर ऑपरेशन के हिसाब से इनवर्स हर नंबर का अलग होता है, जैसे 2 का -2 है, 3 का -3 है, ठीक है। अब आइडेंटिटी सॉरी इनवर्स आपके पास क्या है, 9/A आया। अब ए की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो इस सेट के अंदर से, लेट से ए की वैल्यू आप 4 पुट कर रहे हो,
तो आपने ए फोर पुट किया, इन्वर्स आपके पास क्या आ गया, 9/4, ठीक है। और 9/4 आपको पता है सेट से बिलोंग करेगा। लेट से अगर आप ए की वैल्यू यहाँ 3 पुट कर दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 9/3, और 9/3 वो भी सेट के अंदर मौजूद है। तो जो इन्वर्स आ रहे हैं, जो भी आप ए पुट करते जा रहे हो, उनके इन्वर्स जो हैं वो भी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब है इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी को भी ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। और एबिलियन भी हो सकता है अगर ये कम्यूटेटिव को फॉलो करे, और कम्यूटेटिव को भी फॉलो करेगा। कोई भी दो नंबर पिक करो, लेट से 1/2, इसको अलग करते हैं कि लेट से एक 1/2 पिक करो और एक 2/3 पिक करो। इनके अंदर मेरा ऑपरेशन बराबर होना चाहिए 2/3 * 1/2, ठीक है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। क्या है AB/3, इन दोनों को ऊपर आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 3 कर दो। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 3 कर दो। भाई देखो सेम ही होंगे क्योंकि दोनों का न्यूमरेटर सेम है, मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर चेंज नहीं होता। तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, इसका मतलब है ये कम्यूटेटिव भी है, ठीक है। तो जब ये कम्यूटेटिव भी है तो पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बेस्ट आंसर इसका क्या है, एबिलियन है। 9 में लिखा हुआ है द सेट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ, ये एमसीक्यू गलत है। क्यों, इसमें उन्होंने सेट ही नहीं बताया ना भाई, किस सेट की बात कर रहे हो आप, कौन सा सेट क्लोज है बताओगे ना कि ये वाला सेट जो है वो क्लोज है। तो इसमें मिस्टेक की हुई है, कोई सेट ही नहीं बताया हुआ। लेट से अगर ये नेचुरल नंबर बोलते तो हम पे चेक करते ना कि नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है या मल्टीप्लीकेशन या कुछ भी है, सेट ही नहीं उन्होंने बताया। तो ये ऑप्शन ही एमसीक्यू गलत है। इसमें लिखा हुआ है एस जो है 1 ω² ठीक है, फॉर्म 0 विद रिस्पेक्ट टू, कि वो बोल रहे हैं कि ये जो एस जो है ये 0 का फॉर्म करेगा। आपको याद होना चाहिए चैप्टर 3 में से कि जब 1 ω + ω² तो ये 0 के बराबर था। तो ये तीनों 0 उसी वक्त परफॉर्म करेंगे जब इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये सेट जो है ये फॉर्म 0 करेगा उसी वक्त विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन 0 नहीं हो सकता, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ही 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, और हमारा चैप्टर 5 खत्म हो गया। अब देखो चैप्टर 5 इतना डिटेल चैप्टर है और आपको क्या पढ़ाया जाता है तो वो देख ही लो, आप लोग बेहतर जानते हो, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं।